Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and thank you very much for coming back. हाँ जी, तो टाइटल से तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आज जा रहा हूँ ट्राई करने हैदराबाद के फेमस हलीम स्पॉट्स। वैसे तो हैदराबाद में बहुत कम ही हलीम स्पॉट्स हैं, लेकिन उनमें से भी जो चंद एक जो फेमस हैं, हम आज वहाँ जाएंगे और उन स्पॉट्स को ट्राई करेंगे। तो फिर चलें। अभी मैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे आ चुका हूँ जो कि है फीसी अलीम, और यहाँ बहुत शोर है, बहुत ज्यादा शोर है। तो चलो चलते हैं अंदर और क्या करते हैं उनका हलीम। देखो यार, तो गर्मी बहुत टाइट हो रही है और कुर्ती अलीम पे मेरी हलीम आ चुका है और मैंने बीफ हलीम मंगवाया। यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज सही आई होगी, आ रही होगी। तो ये इनका बॉक्स है जिसके अंदर सारे मसाले इन्होंने दिए हैं, ब्राउन प्याज वगैरह और चाट मसाला वगैरह। तो ये अभी इसके अंदर डालते हैं। पहले हम इसको ऐसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका, और उसके बाद में मसाले डाल। चेक करो गाइस, ये रेशा पत्ते हो गए और बीफ का सारे पैसे इसी पे। मजेदार। थोड़ी सी हम इसके अंदर ब्राउन प्याज डालेंगे। अब हम इसकी बाइट लेंगे मसाले के साथ। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आप ये बाइट। कोई तरीके से दिखाया नहीं, उसमें थोड़ा थोड़े दाल वगैरह की चमक भी आ रहे हैं। और थिकनेस कितनी कोई है नहीं इसकी, इतनी सही नॉर्मल कितनी है। मैं इसको जल्दी से क्लियर करता हूँ और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। सो डन विद फर्स्ट लोकेशन, अब हम चल रहे हैं अपनी सेकंड लोकेशन की तरफ, वो भी यहीं करीबी है नीचे। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको वहीं पे। मौजूद हूँ अपने सेकंड लोकेशन पे, और बाहर निकल के मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे माइक जो है वो सही चल नहीं रहा है।
तो अभी मैं आया हूँ रावी हलीम और यहाँ के सीन्स चेक करते हैं कि कैसे सीन्स हैं और क्या है. लेट्स गो. Okay, so we got our Haleem over here. It's beef Haleem. और इसकी consistency check कर सकते हैं आप. थोड़ी सी इसकी कोजी से ज़्यादा है. और इन्होंने भी वही मसाले का दिया हुआ सब कुछ. Here it is. तो पहले हम मसाले डालें इसके अंदर. यार बाहर में ऐसे नहीं बैठा क्योंकि बहुत शोर हो रहा था और पहले कोजी वाले के ना भी कुछ नॉइस के इश्यूज आए. तो तभी अब इसके अंदर मैं मसाले वगैरह डालता हूँ जब तक वो कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाएंगे. धनिया एंड द ब्राउन प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला और अदरक. यस एंड हियर कम्स द नेबू लेमन. तो ये हमारी बन चुकी है प्लेट प्रॉपर तरीके से. तो अभी ट्राई करते हैं इसको. कैसे सीन्स हैं. ओके सो नाउ कम्स द टेस्ट टेस्ट. पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट है. यार गरम हो रही है फुल बेहतरीन. ओए होए 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 यार बहुत आला. रेट दूंगा 10 out of 10. ये कोजी हलीम से बहुत 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 ज्यादा बेहतर है. और कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो इसकी यार फुल बेहतरीन हो रही है. तो आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू ट्राई रावी हलीम इंस्टेड ऑफ कोजी. दो कोजी बहुत ज्यादा पुराना है और मेरे ख्याल से उसने ना अपनी जो क्वालिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया. क्वालिटी के ऊपर उसने रेट तो वही है लेकिन क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उसने. जबकि रावी हलीम की मेरे ख्याल से वही रेट है 120 rupees पर प्लेट लेकिन क्वालिटी बहुत 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 बेहतर है. मज़ेदार. इसके साथ ये लोग ना वो रोगनी नान भी सर्व करते हैं और वो बहुत आला होती है लेकिन मैंने नहीं मंगवाई क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती है. मतलब हलीम के साथ कोई रोटी अच्छी नहीं लगती. वरना अगर आप खाने आ रहे हैं तो आप रोगनी नान इसके साथ लोगे तो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा. पसीना ऐसा आ रहा है गर्मी की वजह से. तो गाइस ये था इसका रिव्यू. मैं फिनिश करूँ और फिर आपसे मिलते हैं. सो नाउ आई एम डन विद हलीम और क्वालिटी वाइज मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 out of 10 और क्वान्टिटी वाइज भी 10 out of 10 थी. और जो बीफ होता है ना वो बीफ आ रहा था इसमें और बाकी जो भी दालें वाले जो भी होती हैं इसके अंदर वो प्रॉपरली ब्लेंड हुई हुई थी इसके अंदर. बिल्कुल भी नहीं आ रही थी. मतलब थोड़ा पता चल रहा था कि इसमें मिक्स हैं वो तो क्वालिटी होती है हलीम की लेकिन साथ साथ बीफ भी आ रहा था. कोजी के अंदर बीफ पता नहीं कैसा आ रहा था पूरा घुटा हुआ था उसके अंदर. तो ये था ये इसका रिव्यू और ये तो मोस्ट फेमस हलीम है हैदराबाद के अंदर. सो गाइस जैसे कि मुहर्रम चल रहा है तो लोग पार्सल करवा के भी लेके जा रहे हैं अपने साथ डिलीवरी नियाज व्यास के लिए आई गेस. तो वो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते ही हैं. गाइस ये था आज का व्लॉग एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो देयर इज अ वार्निंग के आप लोग
गाड़ी चलाते हुए फोन नहीं यूज किया करे, लेकिन मुझे व्लॉग बनाना है तो तभी मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ जी, तो मुझे आप लोगों को बोलना था कि जैसे हम लोग कभी गाड़ी का ना मंगवाते हैं ना, गाड़ी का ना सर्विंग करवाते हैं आपके लिए, तो वेटर्स को टिप जरूर दे दिया करें, भले 20, 30 या 50 रुपीज। उनसे हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उनका दिल खुश हो जाएगा। तो यस, ये छोटा सा डिस्क्लेमर था आप सब लोगों के लिए।